जय हिंद। तो आप देख रहे हैं जीएस फोरम, आपके साथ हूं मैं वीके मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत के जो तटीय द्वीप हैं वो कहां पर स्थित हैं और उनकी कुछ खास बातें क्या हैं। तो आप जानते हैं कि भारत के दोनों किनारों पर दो महत्वपूर्ण द्वीप स्थित हैं। एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि लगभग कुल 572 छोटे छोटे द्वीपों और टापुओं का समूह है। लेकिन अगर इसको हम केवल द्वीपों में काउंट करें तो इसकी कुल संख्या लगभग 222 के आसपास होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दूसरा महत्वपूर्ण द्वीप जो है वो है लक्षद्वीप, जो कि भारत के पश्चिमी किनारे पर अरब सागर में स्थित है। इसमें अगर हम लोग देखें तो कुल जो द्वीपों की संख्या है, यहाँ पर 36 द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीपों की संख्या मिला करके। लेकिन केवल 10 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोगों का निवास होता है। तो एक एक करके हम लोग इन्हीं की बात करेंगे कि कहाँ पर ये स्थित हैं और इनकी कुछ खास बातें क्या है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन जो आपको मिलती है भारत के कुछ इस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पहला सवाल बनता है वो ये हो जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित आप बताओगे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा सवाल बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसका विस्तार माना जाता है, या यूं कह सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने इस बात की पुष्टि करी है कि जो हमारे उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं उसी का विस्तार माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चूंकि पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पाया जाता है। अब आपको समझना है, जो यहाँ पर आप ग्रीन कलर में कुछ जलमार्ग देख रहे होंगे यही आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रिक के जरिए याद करने की कोशिश करी, बहुत कई लोग इसको रट्टा मारते हैं सुबह 4 बजे उठ करके। तो उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है। केवल आप मैप को ध्यान में रखिए, इस पूरे मैप को जब आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो कभी न तो किसी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और न ही आपको सुबह 4 बजे उठकर नींद खराब करके रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत का जो ये वाला पोर्शन है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शुरुआत, सॉरी म्यांमार की शुरुआत हो जाती है। तो म्यांमार देश के बीच से होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम होता है इरावदी नदी, और इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि इसी की जो घाटी है, इसी के क्षेत्रों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ की फसलों को उगाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में हमने बनाया है इरावदी नदी का मुहाना, मतलब कि इरावदी नदी जहाँ पर अपने जल को गिराती है वो क्षेत्र कौन सा होता है, यहाँ पर उसे हम इरावदी नदी का मुहाना कहते हैं। इरावदी नदी के मुहाने से जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको प्रिपेरिस नाम के दो द्वीप मिलेंगे। एक को कहते हैं उत्तरी प्रिपेरिस और दूसरे को कहते हैं दक्षिणी प्रिपेरिस, मतलब कि प्रिपेरिस नाम के दो द्वीप आपको मिलेंगे। एक मिलेगा उत्तरी प्रिपेरिस, दूसरा मिलेगा दक्षिणी प्रिपेरिस द्वीप। अब प्रिपेरिस द्वीप के बाद जब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा कोको द्वीप समूह या कोको द्वीप पुंज, और इस पर जो अधिकार होता है, अधिकार इस पर म्यांमार का ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कोको द्वीप समूह से जब आप नीचे बढ़ेंगे तो कोको नाम से ही एक जलमार्ग है जिसे हम कहते हैं
कोको जलमार्ग। और फिर जब कोको जलमार्ग से आगे बढ़ेंगे तो आप सुनते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या कहीं कहीं पर लिखा होता है अस्पष्ट रूप से कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मतलब कि यहां से ये बात कंफर्म आपको हो जाती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो द्वीप हैं, एक का नाम है अंडमान और दूसरे का नाम है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार आपको दो अलग-अलग मिलेंगे। कुल जब अंडमान को आप डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल चार द्वीप मिलेंगे जो कि अंडमान में शामिल होते हैं। तो अंडमान में अगर आप देखें तो कुल जो चार द्वीप यहाँ पर स्थित हैं, उन चार द्वीपों में से एक को देखिए तो उत्तरी अंडमान है, उसके बाद फिर देखेंगे तो मध्य अंडमान, फिर उसके बाद दक्षिणी और उसके बाद लिटिल अंडमान। यहां तक आपको कुल चार द्वीप मिले जो कि अंडमान से संबंधित थे। कौन कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अब आपको देखना है कि अंडमान से जब आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलना चाहिए निकोबार, और निकोबार की शुरुआत हो जाती है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और उसके बाद फिर ग्रेट निकोबार। माने कि अंडमान में कुल चार मिलेंगे, निकोबार में कुल तीन मिलेंगे। कौन कौन से निकोबार में हैं? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अंडमान में चार और निकोबार में तीन हो गए। अब आपको समझना है कि सबसे पहले इरावदी, फिर प्रिपेरिस, उसके बाद कोको द्वीप समूह के बाद शुरुआत किसकी हुई थी? अंडमान द्वीप समूह में, उत्तरी अंडमान की। तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि कोको जलमार्ग कहाँ पर स्थित है तो आंसर आपका क्या होगा? चाहे तो आप कह लें कि अंडमान और म्यांमार के बीच में है, चाहे तो आप कह लें कोको द्वीप पुंज और उत्तरी अंडमान के बीच में है, चाहे आप कह लें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार के मध्य में स्थित है। तो इस तरह से आप बताएंगे कोको जलमार्ग को। अब कोको जलमार्ग से आप पूरे अंडमान तक चले जाएंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लिटिल अंडमान के एक जलमार्ग ऊपर भी है और एक जलमार्ग नीचे भी है। तो लिटिल अंडमान का जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसको कहते हैं डंकन जलमार्ग, और नीचे वाले को क्या कहा गया है? 10 डिग्री चैनल। तो जो ऊपर वाला है, लिटिल अंडमान से ऊपर है, उसको कहा गया डंकन जलमार्ग। तो डंकन जलमार्ग लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में स्थित है। अब जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल चूंकि आप जान रहे हैं कि शुरुआत यहां तक तो था अंडमान, लेकिन इसके बाद किसकी शुरुआत हो गई? निकोबार की। तो मतलब क्या हो गया कि अंडमान और निकोबार के बीच में क्या स्थित है? यहां पर 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? चाहे तो आप कहें अंडमान निकोबार के बीच में है, चाहे कहें कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। उसके बाद फिर बढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे जिनका बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो जैसे कुमारता द्वीप है, कैचल द्वीप है और नानकोरी है। ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको? 10 डिग्री चैनल और सोमबरेरो जलमार्ग के मध्य में मिलेंगे। अब कार निकोबार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा लिटिल निकोबार और दूसरा मिल जाएगा ग्रेट निकोबार। तो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को आप देखें तो ये किसके बीच में है? यहाँ पर सोमबरेरो जलमार्ग है और उसके नीचे स्थित है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि सोमबरेरो जलमार्ग किसके बीच में है, तो बड़े स्तर पे अगर देखें तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में, और अगर थोड़ा सा छोटे स्तर पे देखें
तो कैचल और नानकोरीस के ऊपर है, नीचे कौन सा है, लिटिल निकोबार। अब जो दूसरा सवाल बनता है कि इसकी कुछ विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, जैसे विशेषताएं और आप क्या देखेंगे कि पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो पर्वत शिखर हमने लिखा है, एक है सैंडल पीक और दूसरे को क्या कहा गया है, माउंट थुलियट। इसकी जो ऊंचाई है 642 मीटर है, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अगर एक साथ में पूछा जाए मिलाकर तो सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, 732 मीटर वाला सैंडल पीक, जो कि कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर, माउंट थुलियट ग्रेट निकोबार पर। अब इसके बाद सवाल यह भी पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है इसकी, पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है ग्रेट निकोबार पर। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पूरी लोकेशन आपके सामने ये है। दो और महत्वपूर्ण हैं जिसका नाम है नारकोंडम और बैरन। तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, वो आपका है बैरन द्वीप, जो कि 135 किलोमीटर की दूरी पर है, कहाँ से, पोर्ट ब्लेयर से, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वहाँ से इसकी जो लंबाई दूरी है वो 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दूसरा चीज कि इसे माना जाता है कि 1787 में यहाँ पर सबसे पहली बार यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, और आज तक इसका उद्गार होता ही है, इसलिए माना जाता है कि ये दक्षिणी एशिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में स्थित है बैरन। और ये है कहाँ पर, तो इसकी स्थिति अगर देखें तो अंडमान सागर में इसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, जो कि लक्षद्वीप है। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है, यह एक प्रवाल से निर्मित द्वीप है। और प्रवाल का मतलब जो आपने मूंगा सुना है, मूंगा सिलेंट्रेटा संघ का एक जीव है, और जब वो मर जाता है, चूँकि करोड़ों अरबों की संख्या में चलते हैं, और इनके मरने के बाद जब इनके अस्थिपंजर एक जगह पर जमा होते रहते हैं, और जमा होने के बाद जो सागर में अवसाद होते हैं, लगातार इनके जमाव होते रहने से ही द्वीपों का निर्माण होता है, और उन्हीं द्वीपों में से एक हमारा लक्षद्वीप भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको देखिए 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, दो चैनल आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एक सवाल ये बन जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो वो मिनिकाय और मालदीव के बीच में है। मालदीव और मिनिकाय के बीच में कौन सा है 8 डिग्री चैनल, और अगर आप ध्यान दें तो ये सबसे दक्षिण में स्थित लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप कौन सा होगा, मिनिकॉय होगा। उसके बाद अगर देखें तो जो मिनिकॉय द्वीप है, शेष जितने भी यहाँ पर आपको द्वीप दिख जाएंगे उनसे 9 डिग्री चैनल से क्या हो गया है, ये अलग हो गया है। मतलब मिनिकॉय और शेष द्वीपों के बीच में क्या स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल स्थित है। यहाँ पर राजधानी इसकी कौन सी है, तो राजधानी उसकी कावारत्ती है, और कावारत्ती द्वीप पर ही ये स्थित है। टोटल नंबर इसमें जो द्वीपों के होते हैं 36 होते हैं, लेकिन आबाद को कितना है, केवल 10 ही ऐसे द्वीप हैं जहां पर लोगों का निवास होता है। अब आपको काम करना है कि जितने भी आए हुए सवाल हैं थोड़ा सा वहां से इसको पढ़िए, और
इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, केवल इसको 3 बार 4 बार इसको बार बार इसको रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब याद करेंगे रटेंगे तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। केवल आप बार बार इसको बढ़िया से अपनी कॉपी पे बना लीजिए। बनाने के बाद जहाँ पर आपको डाउट लगे एटलस आप खोल लीजिए, बहुत क्लियरली इसको बनाइए। थोड़ा बड़े पेज पे बनाएंगे तो आपका ये जो कंसेप्ट है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। चैनल्स को कहाँ कहाँ बनाने हैं, जैसे मैंने कुछ छोटे द्वीप भी बनाए हैं, साउंड है, इंटरव्यू है, स्मिथ है, रटलैंड है, उत्तरी सेंटिनल, दक्षिणी सेंटिनल, तो इस तरह से द्वीपों को पूरा बना लीजिए अपनी कॉपी पर। और उसके बाद इस पर आए हुए जितने सवाल हैं उसको आप देखते रहिए। तो आज बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे। आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वो, और इस पर मैं एक सोच रहा हूँ कि जो पूरा हम लोगों ने फिजिकल डिवीज़न भारत का पढ़ा है, इस पर कुछ आपसे सवाल जवाब कर लिए जाएं, कि आप पढ़ रहे हैं कि बस केवल ऐसे ही YouTube चला रहे हैं। तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सवाल आपसे कैसे बन सकते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस पर करेंगे। और उसके बाद इसमें अब आपका एक सेक्शन और बच रहा है, वो आपका है दक्षिण भारत का पठार। तो दक्षिण भारत के पठार की हम लोग बात कर लेंगे और इस पर आए हुए सवाल। तो आपका पूरा भारत का भौतिक विभाजन अब एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जितने सवाल हैं उसको आप बार बार रिवाइज करिए। देखिए, सवाल अगर आप नहीं रिवाइज करेंगे, सवालों को देखेंगे नहीं, तो आपको ये तैयार तो नज़र आएगा कि हमने पढ़ लिया है, तैयार हो गया है, लेकिन आप एग्ज़ाम के सवालों को तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप सवालों को देखे रहेंगे। तो बस आज यहीं तक, कल आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर कौन से पठार पाए जाते हैं, इस टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।